YouTube का बहुत ही ज़्यादा चर्चित चेहरा मिस्टर इंडियन हैकर, जिनका लोगो कुछ इस तरह का है। मिस्टर इंडियन हैकर YouTube पर एक चैनल है गाइस, मैं आपको बता दूं। और इनके करंट में 3.6 मिलियंस के सब्सक्राइबर है इनकी फैमिली यानी कि टाइटेनियम फैमिली में। मैं टाइटेनियम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ब्लड में टाइटेनियम है। मिस्टर इंडियन हैकर का नाम है दिलराज सिंह रावत। इन्होंने YouTube पर अपनी धात जमाने में सफल रहे। मिस्टर इंडियन हैकर ने YouTube पर अपनी ऑडियंस, अपने सब्सक्राइबर, अपने व्यूज बढ़ाने में सफल रहे हैं गाइस। इनका जन्म 8 जनवरी 1996 को अजमेर के राजस्थान के जिले में हुआ था। इनकी जो पढ़ाई भी है गाइस, वो इनकी स्कूल से पढ़ाई है इनकी फर्स्ट से लेकर 12th तक। दिलराज सिंह बचपन से ही साइंस और एक्सपेरिमेंट में बहुत ही ज़्यादा आला थे। वो बहुत ही अच्छे एक्सपेरिमेंट करते थे साइंस को लेकर। वो जब स्कूल में थे तो वो हर काम सिस्टमेटिक से करना चाहते थे। उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, वो बस एक टेक्निकल काम करना चाहते थे कि कोई सिस्टम से काम हो, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसे में मैं क्या करूं। इन्होंने एक चैनल क्रिएट किया यूट्यूब पर, और इनका मानना है कि अगर आदमी के अंदर जिद हो तो ये कुछ भी कर सकते हैं। और ब्लड के अंदर टाइटेनियम होना चाहिए हर आदमी के। इसका कहने का मतलब है कि अगर आप में काम करने की क्षमता है, आप कर सकते हो, तो आपके भी ब्लड में टाइटेनियम है। दिलराज सिंह हमेशा से कुछ नया करना चाहते थे, समथिंग न्यू, लेकिन उन्हें कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। वो बस परेशान थे, हताश थे, ऐसे में वो सोच रहे थे कि मैं क्या करूं। उन्होंने एक ऑडियंस जनरेट करने की सोची, लोगों को अपना टैलेंट दिखाने की सोची, एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची। एक्सपेरिमेंट की वीडियो बनाते गए और यूट्यूब पर अपना परचम लहराने लगे। दिलराज सिंह अपना टैलेंट लोगों को दिखाना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। ऐसे में उन्होंने सहारा लिया यूट्यूब का। यूट्यूब पर उन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। पहली वीडियो उनकी 23 जनवरी 2017 को उनकी पहली वीडियो आई। वीडियो थी हाउ टू ओपन लॉक विदाउट की। लेकिन ये जो वीडियो थी, ये ज़्यादा कुछ कमाल धमाल नहीं कर पाई और मिस्टर इंडियन हैकर यानी कि दिलराज सिंह को हताश होना पड़ा, मायूस होना पड़ा। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने हौसले पस्त नहीं होने दिए। वो हमेशा से ये चाहते थे कि मेरे अंदर ज़िद है, मैं करके रहूँगा। उन्होंने फिर से वीडियो बनाना शुरू कर दिया और कुछ अलग तरह की वीडियो वो बनाने लगे एक्सपेरिमेंट को लेकर। वो पार्ट टाइम जॉब भी करते थे ताकि उनकी वीडियो में जो ज़्यादा खर्च आते हैं पैसे के, वो उनसे कवर कर सके। फिलहाल जितने भी पैसे वो कमाते थे यूट्यूब से, वो सारे अपने ही एक्सपेरिमेंट में लगा देते थे, यानी कि उनके पास कुछ भी नहीं बचता था। मिस्टर इंडियन हैकर 12 जनवरी 2017 को एक और वीडियो अपलोड की और वो वीडियो रातों रात उनकी वायरल हो गई। यानी कि वो वीडियो ये थी कि उंगलियों से धुआं कैसे निकालें। वो धुआं निकालने वाली वीडियो उनकी वायरल हो गई रातों रात। उन्होंने उनके लिए सब्सक्राइबर और व्यूज़ गेन किए, जिनसे उनका चैनल जो है आगे बढ़ने लगा। इस वीडियो ने उसे रातों रात सक्सेस का रास्ता दिखा दिया और वो सक्सेस हो चुके थे गाइस, क्योंकि उनके पास ऑडियंस थी, सब्सक्राइब है और व्यूज़ भी थे, और कुछ इस तरह से अपनी ऑडियंस जनरेट की। इस चीज़ से उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए और एक्सपेरिमेंट की एक से बढ़कर एक वीडियोस वो अपने दर्शकों के लिए लाते रहे। आज के डेट में उनके 3.6 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो बहुत अच्छी बात है। मैं आशा करता हूँ कि इनके ऐसे ही सब्सक्राइबर बढ़ते रहे। 7 मई 2019 उनकी मैरिज हुई। इस चैनल पर आपको मैरिज की और भी वीडियो मिल जाएगी। उन्होंने मैरिज की और एक से बढ़कर एक एक्सपेरिमेंट फिर से शुरू कर दिए। बहुत अच्छे से उनका जो चैनल है अर्निंग कर रहा है, अच्छे से बढ़ रहा है। मैं आशा करता हूँ कि वो ऐसे ही बढ़ता रहे और ऑसम एक्सपेरिमेंट
लोगों के लिए लाते रहे। मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ गाइस, क्योंकि मैं उनकी बायोग्राफी बना रहा हूँ क्योंकि मैं उनका फ़ैन हूँ। यही थी उनकी अनटोल्ड स्टोरी, मिस्टर इंडियन हैकर, यानी कि दिलराज सिंह की कहानी। दिलराज सिंह रावत जो कि अजमेर राजस्थान के रहने वाले हैं। अगर आपको दिलराज सिंह के बारे में और इन्फॉर्मेशन जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस घंटे बटन को ज़रूर दबाइए।